नमस्कार दोस्तों, तो फिर से मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी उड़द दाल और चावल से बहुत ही हेल्दी सा एक पीठा, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और देखने में लाजवाब तो है ही। तो ये जो पीठा है हम इसको कढ़ाई पे बनाएंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप जब चाहे तब इसको बना के खा सकते हो और बच्चे लोग को टिफिन में भी दे सकते हो, और सुबह शाम जब मन करे इसको बना के खाइएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी है। और ये थोड़ा सा तीखा तीखा लगेगा क्योंकि इसमें हम हरा मिर्च और प्याज भी डालेंगे। देखिए अंदर बहुत ही सॉफ्ट बना है हमारा जो पीठा, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट है। तो चलिए इसकी वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कप चावल और एक कप उड़द दाल को मैंने रात भर भिगो के रखा था। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से बैटर बना लूँगी। अब 4 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। 4 घंटे के बाद मैं दिखा रही हूँ, देखिए बैटर हमारा इस तरह से होना चाहिए। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह से फेंट लेंगे ताकि अच्छे से इसमें एयर बबल आ सके। तो इसको हम इस तरह से थोड़ी देर के लिए फेंट लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ कड़ी पत्ता और नारियल। नारियल इसमें बहुत ही अच्छा लगता है तो ज़रूर डालिएगा। और 4-5 हरे मिर्च को मैंने काट के डाला है और 1 प्याज को मैंने काट के डाला है। तो यहाँ पर नमक मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून और चुटकी भर में डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून जीरा का पाउडर, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो बस यही चीज़ है और इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे। 2-3 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से मिलाते रहेंगे। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं। बहुत अच्छी तरह से भी हमारा ये जो बैटर है फॉर्मेट हुआ है। और इसको हम 4 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़े थे, तो इस वजह से पीठा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो इसको आप ज़रूर 4 से 5 घंटा के लिए बैटर बनाने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल पहले से गर्म करने के लिए छोड़ दिया था और आधा बैटर को मैं इसमें डाल दूँगी। अब इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको रखना है। और इसको हम पलट देंगे, देखिए कितनी अच्छे से हमारा फूल चुका है पीठा। अब इसको पलट देंगे और फिर से इसको हम ढक्कन लगा देंगे और फिर से 5 मिनट के लिए अब हम इसको लो मीडियम में रखेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है। इसको हम धीमे धीमे आंच में जितना बनाओगे उतना ही कुरकुरा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए लगभग 10 मिनट लगा था, 10 से 12 मिनट तो पीठा हमारा बन के रेडी हो गया। तो यहाँ पर फिर से मैं तेल गरम करके उसमें जितना हमारा बैटर बचा हुआ था उसको डाल दूँगी। ये बहुत ही झटपट बन जाता है, तो एक बार ज़रूर बना के खाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए ये वाला पीठा भी हमारा बन के रेडी हुआ है। और इसका जो ऊपर का कलर देखिए बहुत ही बढ़िया आया है। तो नीचे का पार्ट थोड़ा सा और पकने के लिए बाकी है, तो इसको हम और 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको हम छोड़ देंगे। अब इसको ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अब देखिए पीठा हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है, उड़द दाल और चावल का तीखे वाले पीठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और ऊपर से कुरकुरा भी होता है और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा पीठा, आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बना है। और एक मैं काट के भी दिखा रही हूँ, देखिए अगर ये पीठा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।